साथियों, आज की जानकारी हमारी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। कुछ माताओं बहनों को पीरियड से संबंधित परेशानी रहती है, लिकोरियल डिस्चार्ज होता है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहती हैं, उनके शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, उनको काम करने मन नहीं लगता है और तो और वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। तो ऐसे आज की जानकारी वाकई बहुत ही खास है। आपको मैं इन समस्याओं का बहुत ही अच्छा समाधान, परमानेंट समाधान बताऊंगा और वो भी बहुत ही सरलता से। जी, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की, एलेट्रिस फेरिनोजा की, एक ऐसी होम्योपैथिक दवा जो स्पेशली रूप से हमारी माताओं बहनों के गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर को कितना ही सरलता से सही करती है। आप जब इसका प्रयोग करेंगे, जब इसे चमत्कारी परिणाम देखेंगे तो वाकई आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए हम एलेट्रिस फेरिनोजा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को डोज भी बताऊंगा और मैं इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। जी हाँ, एलेट्रिस फेरिनोजा एक ऐसी दवा जो, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई माता बहन बहुत सुस्त, कमजोर, देखने में बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ी और वो एनीमिक दिखती है, लगता है कि उसके शरीर में खून की कमी है, जब वो किसी काम को करने का सोचती है तो बहुत जल्दी वो थक जाती है, हमेशा थकी थकी महसूस करती है और उनके जो है किसी भी काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। जब उनके हिस्ट्री में जाते हैं, भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ब्लड क्यों कम हो जा रहा है, क्यों थकी थकी महसूस कर रही है, तो जब आप उनके बारे में देखते हैं, जब आप उनके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पाते हैं कि उनको क्या है कि पीरियड की प्रॉब्लम है, यानी कि प्री मैच्योर एंड प्रोफ्यूज एमसी हो रहा, बहुत ज्यादा मात्रा में एमसी के द्वारा जो है ब्लड का लॉस हो रहा और प्री मैच्योर हो रहा और इसके साथ ही साथ लेबर लाइक पेन हो रहा, ऐसे लग रहा है बिल्कुल जैसे लेबर लाइक पेन हो रहा और तो और यूट्रस जो है बहुत हैवी महसूस होता है और उनको क्या होता है कि हैबिचुअल एवर्सन हो जाता है। अब सपोज करिए कि अगर यूट्रस में बहुत ज्यादा वीकनेस रहेगी तो निश्चित रूप से ये समस्या तो आनी ही आनी है। इसके साथ ही साथ वो लिकोरिया की समस्या से भी परेशान रहते हैं। तो जब सपोज करिए कि जब इस तरह के वाइटलिटी शरीर से लॉस होगी तो नेचुरल सी बात है कि शरीर में कमजोरी तो आनी ही आनी है। ऐसे कंडीशन के लिए एलेट्रिस फेरिनोजा साथियों बहुत ही अच्छी दवा है। अब इसका डोज की बात करें तो ये मदर टिंचर में क्यू में बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में, प्रोफ्यूज मात्रा में एमसी से ब्लड आ रहा है, तो आपको एलेट्रिस फेरिनोजा 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 बार लीजिए, 15 दिन तक लीजिए। इसके बाद डोज को आप सुबह शाम कर दीजिए और 2-3 महीना इस दवा को खा लीजिए। यूट्रस के अंदर एक ऐसा एटमोस्फियर बन जाएगा कि इस तरह की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सबसे अच्छी चीज है कि ये समस्या आपकी अस्थाई रूप से ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा शरीर से ब्लड कम है, तो ऐसे कंडीशन में आप बीच बीच में टेस्ट करा के और उसके अकॉर्डिंग अपने डोज को कम कर दीजिए। साथियों, एलेट्रिस फेरिनोजा हमारी माताओं बहनों के लिए वाकई एक बहुत ही अच्छी दवा है। इसका प्रयोग आप करेंगे, चूंकि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज की जाती है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही चमत्कारिक देखा गया है, अतः आपको जो समस्या बताई गई, जिसके जो सिम्टम बताए गए, अगर वो चीज आपके अंदर भी मिल रहा है तो आप इसे यूज करके इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स पा सकती हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मैं अगले किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं और आप अगर मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां सदैव पाते रहिए, क्योंकि
आपके जीवन शैली को सही करने के लिए YouTube चैनल डॉक्टर SB तिवारी आपके लिए कृत संकल्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।